खिली खिली सी टेस्टी यमी टमेटो राइस। हेलो फ्रेंड्स, मैं विदिशा, वेलकम टू किचन स्माइल्स। आज किचन स्माइल्स में हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में टमेटो राइस। आसान है बनाना, एकदम एक पॉट मील, फुल मील है ये, तो ये बनाएंगे हम आज। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किचन स्माइल्स सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस कीजिए। तो चलिए हम टमाटो राइस बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं 2 कप चावल को करीब 15 से 20 मिनट सोख की थी पानी में। और मसाले के लिए हम एक बड़े प्याज को बारीक से काट लेंगे, 2 बड़े बड़े टमेटोज को उससे भी काट लेंगे। 1 चम्मच हमें चना डाल और 1 चम्मच हमें पीनट्स चाहिए। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबलस्पून एकदम बारीक कटी हुई लहसुन और 1/2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक और कुछ हरी मिर्चें बीच से कटी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे गैस फ्लेम को और हम एक प्रेशर कुकर रखेंगे। उसमें हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल जब थोड़ा गर्म होता है तो हम ये जो चना डाल हैं ये डाल के इसे बस 2-3 मिनट के लिए हम सॉटे करेंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे। अब इसमें जो हरी मिर्चें और कटी हुई अदरक लहसुन है वो भी डालेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे हम सॉटे करेंगे। तो बस ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट के लिए काफ़ी है। अब हम जो कटी हुई प्याज है वो डालेंगे इसमें और फ्राई करेंगे, जब तक कि हमारे जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, थोड़ा ब्राउनिश कलर हो जाएगा। तब हम इसमें 1/2 टीस्पून राई डालेंगे। आप शुरुआत में भी डाल सकते हो, मैं अभी डाल रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो पीनट्स हैं वो भी डालेंगे और 2-3 मिनट के लिए फिर हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें कटी हुई टमेटोज डालेंगे और इससे हम कुकर के लिड से थोड़ा कवर कर लेंगे 5 मिनट के लिए और कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, टमेटोज जो हैं काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और पक जाएंगे। तो देखिए टमेटोज हमारे एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो मसाले के लिए हम 1/2 टेबलस्पून इसमें टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हम इसमें हींग डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हम इसमें गरम मसाला थोड़ा कम डाल रहे हैं क्योंकि उसका फ्लेवर जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब ये सारे को हम मिला लेंगे और बस 2-3-4 मिनट के लिए और हम इसे कुक करेंगे। अब जो मैं चावल भिगो के रखी थी उससे उसका पानी पूरा आप निकाल लो, अच्छे से स्ट्रेन कर लें और वो चावल हम डाल लेंगे मसाले में। फिर से हम अच्छे से सब कुछ मिला लेंगे। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है ना, तो इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है उससे ध्यान में ज़रूर रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। इसमें हमेशा 1 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 कप चावल ली हूँ इसलिए 3 कप पानी मैं यूज़ की हूँ। पानी का मात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो जो टमेटो राइस है वो एकदम खिली खिली नहीं बनेंगे। अब कुकर लिड से इसे बंद करें और इससे हम प्रेशर कुक करेंगे 1 व्हिसल हाई फ्लेम पे और 1 मीडियम फ्लेम पे। गैस ऑफ करके इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों कितने खिले खिले राइस, चावल कितने खिले खिले बने हैं, कितना ईजी है बनाना, कोई झंझट नहीं है। अलग से चावल पकाओ, मसाला बनाओ, फिर मिक्स करो, कुछ नहीं, बस एक ही कुकर में सब कुछ रेडी है, एकदम टेस्टी राइस। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और किचन स्माइल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।